जय हिंद दोस्तों, क्या आप भी ऐसे सुंदर फूल उगाना चाहते हैं और वो भी ज़ीरो बजट में? तब तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना ही पड़ेगा। वेलकम टू होम गार्डनिंग मेड इजी। दोस्तों, पिछली दो वीडियो में हमने गमलों के क्वालिटी, उनके साइजेस और उनके ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राइसेस के डिफरेंस को समझा था और यह पाया था कि गमले ऑफलाइन में ही सस्ते मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि क्या फूलों को, पौधों को घर से निकले हुए वेस्ट में भी उगाया जा सकता है और क्या वे सुंदर या अच्छे लगते हैं। दोस्तों, बाहर काफ़ी तेज़ धूप है और इसीलिए मैंने जो है अपने पौधों को आज अपने छत के ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ी में सजा करके रखा हुआ है। यहाँ जो सबसे ऊपर जो आप जो पौधों को देख रहे हैं, इनको मैंने बड़े बड़े 5 किलो के आटे के थैलियों में, यानी कि कैरी बैग में इनको रख लगाया हुआ है। यह जिंजर अदरक का पौधा है और इसमें यह अदरक के ट्यूब्स भी लगने शुरू हो चुके हैं। बगल में यह रेड लीफ्ड कोलियस का पौधा है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और इसके बगल में आटे के ही थैली में मैंने पिंक बुगेनविलिया को लगाया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग दे रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उससे निचले वाली सीढ़ी में दोस्तों मैंने काले कलर के ग्रो बैग्स में जो है अपने कुछ पौधों को लगाया हुआ है। ये बलसम का पौधा है और उसी में जो है एक विंटर लिली भी लगा हुआ है। यह विटमानाई फर्न है और बहुत ही सुंदर पौधा है। दोस्तों, ये जो काले कलर के ग्रो बैग्स आते हैं ये बहुत ही सस्ते होते हैं, 1 या 2 रुपए में ये मिल जाते हैं। उसके बगल में यह मोजेस इन द क्रेडल का पौधा है और उसके बगल में यह फ्रेंच मैरीगोल्ड है या रेड मैरीगोल्ड है और इनको मैंने पिछले साल के सीड्स से ग्रो किया है। दोस्तों, इन फूलों के लिए एक लाइक बनता है ना। इससे नीचे वाली सीढ़ी के दाई तरफ जो छोटे छोटे सीमेंट के गमले दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो मैंने खुद बनाए हुए हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। दोस्तों, इसमें जो है मैंने एक तरफ जो है बनी कैक्टस लगाया हुआ है और दूसरे में जो है कैलनकोई का पौधा है। दोस्तों, सीमेंट के ऐसे छोटे गमले आसानी से बन जाते हैं और ये काफ़ी साल चलते भी हैं। यहाँ इस पे भी मैंने कैलनकोई टोमेंटोसा को ही लगाया हुआ है और यह जो छोटा सा पौधा है जो एलोवेरा के जैसा लग रहा है, ये जो है दोस्तों ये बर्जरेंथस का पौधा है। इसे भी मैंने एक सीमेंट के छोटे से गमले में लगाया हुआ है और उसके राइट साइड में जो ये जो कुछ डब्बे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये मिठाइयों के डब्बे हैं। आप निश्चित ही ऐसे डब्बों को फेंक देते होंगे। दोस्तों, इसमें यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यह पेंसिल कैक्टस है जो इसमें भलीभांति खिल रहा है और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस निकली हुई हैं। यह वेरीगेटेड पेपरोमिया का पौधा है और इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस आए हुए हैं और काफ़ी पौधा भी हेल्दी लग रहा है। और उसके बगल में जो येल्लो और ग्रीन लीफ वाली जो पौधा है दोस्तों, यह गोल्डन अरेलिया का पौधा है। ये एक्चुअली में उसके कुछ कटिंग्स है जो मैंने इसमें लगाई हुई थी जो अब जग चुकी हैं। यह टॉपसीटर भी प्लांट है दोस्तों और इसमें बहुत सारे बेबीज इसके निकले हुए हैं। अगला जो पौधा जो आप देख रहे हैं जो मिठाई के डब्बे में लगा हुआ है, वह है सेरोपेजिया वुडियाई या स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स का पौधा। यह भी वेरीगेटेड पौधा है दोस्तों। और उसके बगल में यह जो स्पेशल पौधा है, इसे आप पहचानिए और इसका नाम कमेंट सेक्शन में जा कर के लिखिएगा। इसके लीव्स को ध्यान से देखिएगा, क्या ये आपको पानी से उछलते हुए किसी जीव के समान लग रहा है क्या? अब उससे नीचे वाली सीढ़ी में जो पौधे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जिस कंटेनर में लगे हुए ये तो पूरी तरह से वेस्ट कंटेनर्स ही हैं। यह देख ही सकते हैं कि एक डब्बा है जिसमें ढक्कन लगा हुआ है, उसे मैंने आधा काटा हुआ है। यह दोस्तों डिटर्जेंट का एक डब्बा है जिसे मैंने आधा काट करके उसमें प्लांट लगाया हुआ है। यह जो है च्यवनप्राश का डब्बा है जिसमें मैंने कैक्टस को लगाया है और यहाँ पे यह मसाले का डब्बा था दोस्तों। ये एक ही डब्बे के दो भाग हैं, मैंने उनसे उस डब्बे को बीच से काट दिया था और एक तरफ ढक्कन अभी भी लगा हुआ है। नीचे से दोस्तों आपको इसमें छेद ज़रूर कर देना चाहिए ताकि
पानी आराम से निकल जाए। तो यह पौधा जो है, इसे इसका नाम बड़ा फनी है, यह डांसिंग बोन्स का पौधा है। और ये इसकी कटिंग्स जो मैंने लगाई थी, यह भी जो है दोस्तों एक ही डब्बे के दो भाग है, ऊपर और नीचे का भाग है। और ये डांसिंग बोन्स की कटिंग जो है इसमें अच्छे से लग चुकी है और काफ़ी सारे शूट्स दे रही है। इनके बगल में जो ये जो डब्बा देख रहे हैं दोस्तों, यह एक पैकेट वाली मिठाई का डब्बा है और मैंने उसमें इन पौधों को लगा दिया है। आइए दोस्तों थोड़े और वेस्ट में अपने पौधों को उगाते हैं। तो ये यहाँ पे जो है पार्टी के बाद थ्रो किए जाने वाले प्लास्टिक के ग्लासेस हैं, जिनमें मैंने अपने जेड प्लांट को की कटिंग्स को लगाया हुआ है, फिर उसके बगल में गोल्डन थुजा को लगाया हुआ है, और पीछे जो है वेरीगेटेड पेपरोमिया के पौधे को भी उसमें लगाया हुआ है। दोस्तों मेरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का थोड़ा छोटा सा काम हुआ था, और नीडलेस टू से कि यह बांस का टुकड़ा रह गया था, तो मैंने इस पे भी जो है अपने इस ड्रेसिना के पौधे को लगा दिया है। और ये ड्रेसिना का पौधा लगता है कि अब इसमें लग चुका है। फ्रेंड्स, यह रिप्सालिस का पौधा है और इसे मैंने एक वेस्ट कॉफ़ी मग में लगाया हुआ है। मैंने इसके नीचे छेद कर दिया है और इसी में इस पौधे को लगाया हुआ है, और नीडलेस टू से पौधा बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और उसके बगल में दोस्तों, इसे देख करके तो आप ज़रूर चौंक जाएंगे, क्योंकि यह जो है फायर क्रैकर प्लांट का पौधा है, और इसे मैंने एक चिप्स के पैकेट में लगाया हुआ था। इस पैकेट में लगभग यह 1 साल से है दोस्तों, और यह पैकेट इस पैकेट में ही यह बीच में थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग भी दे रहा है। दोस्तों फायर क्रैकर प्लांट पे मैंने एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो अपलोड किया हुआ है, मेरे चैनल पे सर्च करके ज़रूर उसे देखिएगा। ये ऑनलाइन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के साथ आने वाला प्लास्टिक का रैपर है, और मैंने इसमें भी दो चार छेद कर करके विंका के प्लांट्स को लगाया हुआ है। दोस्तों आपके लिए बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की चाहत में मैंने एक नया कैमरा फ़ोन लिया हुआ है, और उससे वीडियोस काफ़ी अच्छी आ रही है। अब इंतज़ार है आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक दे दीजिए, और अगर काफ़ी दिनों से चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अभी ख़त्म हुई नहीं है, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा फूल दिखाऊंगा जिसको देख करके आप अभी नर्सरी की तरफ दौड़ पड़ेंगे। दोस्तों यह एक एलोवेरा का पौधा है, जिसे मैंने एक जूस के बॉटल में उल्टा लटकाया हुआ है। अब इसने इसमें रूट अच्छे से जमा ली है, और इसमें बहुत सारे न्यू लीव्स भी आई हुई है, और देख सकते हैं यह स्पाइडर के जैसा लगता है। अगेन बांस के एक छोटे से टुकड़े में मैंने मिनी सिंगोनियम को लगाया हुआ है, और इसी में इसने रूट्स को अच्छे से ग्रोथ ले ली है, और पौधा काफ़ी हरा भरा है और काफ़ी लंबा भी हो चला है। अगेन उसके बगल में दोस्तों जो पौधा दिख रहा है वह वाइनिंग पेपोरोमिया है, और इसे भी मैंने मिठाई के एक डब्बे में लगाया हुआ है। डब्बा टूट चुका है दोस्तों, मुझे अब उसको चेंज करना पड़ेगा। और यह अगेन स्ट्रिंग ऑफ हार्ट्स है दोस्तों, जिसे मैंने इस प्लास्टिक के इस फिगर में लगाया हुआ है, और जब ये अच्छे से ग्रो कर जाएंगी दोस्तों तो यह उसके बालों के समान लगेंगी। और उसके बगल में दोस्तों यह स्ट्रिंग ऑफ बनानास का पौधा है, और इसमें फ्लावरिंग हो रखी है, और यह पौधा मेरे यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है दोस्तों। मैंने इसे किस में लगाया हुआ है आप देख सकते हैं, यह एक प्लास्टिक की बनी हुई बास्केट है, और मैंने उसमें कपड़े को बिछा करके पॉटिंग सॉइल को भर दिया है। अब हम दोस्तों वीडियो के अंत में आ चुके हैं, और मैं जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक बहुत ही सुंदर फूल से मिलाऊंगा, तो यह है वो फूल दोस्तों जो आपका इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों यह क्रिसमस कैक्टस है, और बहुत ही लश ग्रोथ इसने ली हुई है। अब अगेन इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आए हुए हैं, और मैंने इसे आप देख सकते हैं कि यह भी एक मिठाई का ही डब्बा है। सच कहता हूं दोस्तों, ऐसी फ्लावरिंग क्रिसमस कैक्टस में मैंने कभी भी किसी के यहाँ भी नहीं देखी है। अगर आपके पास भी यह ऐसी फ्लावरिंग कर रहा है, या ये पौधा आपके पास है, तो ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो के अंत तक आते आते आपको इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा कि क्या हम वेस्ट में पौधे लगा सकते हैं या नहीं।
और क्या वे सुंदर लगेंगे या नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक पौधे लगाते रहें और खुश रहें। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।